Hello, hello everyone. You're watching Pakistan Expert. Imran Khan Radhe Mohan ban gaye. Radhe Mohan ban gaye? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये इमरान खान राधे मोहन कैसे बन गए? और अदाकारा नवाल सईद का इससे क्या ताल्लुक है? अरे क्या जेल से राधे मोहन बनने चले गए? अभी अभी तो बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी, ये माजरा क्या है? हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इमरान खान राधे मोहन क्या वाकई बन गए और नवाल सईद का इससे क्या मामला है। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। जी जनाब, तो पाकिस्तानी मारूफ और खूबरू अदाकारा नवाल सईद की एक तस्वीर में उनके पीछे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को देखकर सब हैरान परेशान हो गए। नवाज सईद ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो आसमानी और सफेद टॉप के साथ सियाह टाइट्स पहने हुई थी और कैमरे की जानिब पोज देते हुए मुस्कुरा रही हैं। मस्कुरा तस्वीर पर जहां नवाज सईद के मद्दा उनके हुस्न की तारीफ करते नजर आए, वहीं सबकी तवज्जो नवाज के पीछे खड़ा एक शख्स अपनी जानिब मबजूल करवाने में भी कामयाब रहा। दरअसल अदाकारा की तस्वीर में उनके पीछे खड़ा शख्स सोशल मीडिया सारिफीन को इमरान खान से मिलता जुलता हुआ मालूम हो रहा है और वो इस कदर मुशाबहत को देखकर काफी हैरान भी हैं। एक सारिफ ने लिखा कि सियाह लिबास में खड़ा शख्स इमरान खान से मिल रहा है। अगर इमरान खान को फिल्म तेरे नाम में सलमान खान का किरदार करने का मौका मिलता तो वो ऐसे ही दिखते। इस कमेंट पर नवाल सईद ने रद्देमल देते हुए लिखा कि बहुत बेहतरीन मुशाहिदा किया है, वो ये बात जानकर बेहद खुश होंगे। अदाकारा की पोस्ट पर क्या ये इमरान खान है, क्या ये सलमान खान है, ऐसे बहुत से सवालात सारिफीन ने किए। और दूसरी तरफ भारतीय मारूफ अदाकार सलमान खान का 20 साल बाद अपनी मकबूल तरीन फिल्म तेरे नाम का लुक अपनाना राधे मोहन की वापसी का इंदिया दे गया। साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले सुपरस्टार सलमान खान को गुज़िश्ता रोज एक नए लुक में देखा गया और इसी लुक में उनकी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। सलमान खान ने अपने सर के सारे बाल मंडवा लिए, एक तरह से फौजी कट कराया हुआ है और इसी हैरानकुन तब्दीली के सबब बॉलीवुड के मतवालों को अदाकार की ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे नाम की याद आ गई। मस्कुरा फिल्म 15 अगस्त 2003 को सिनेमा घरों की जीनत बनी थी और इस फिल्म में सलमान खान ने राधे मोहन नामी किरदार निभाया था। अदाकार ने अपने फिल्मी करियर में पहली मर्तबा गंजे होकर कोई किरदार निभाया था क्योंकि गंजे होना फिल्म की कहानी की जरूरत थी। अब 20 साल बाद सलमान खान का एक मर्तबा फिर गंजे होना तेरे नाम 2 की तरफ इशारा मालूम होता है, जबकि कुछ मद्दाहों का कहना है कि सलमान खान का ये नया लुक किसी फिल्म के सीक्वल के लिए नहीं है बल्कि कोई नया प्रोजेक्ट ही बनाया जाएगा। तो क्या है इसमें हकीकत, ये हकीकत आपको हम बताएंगे। क्या ये वाकई कोई नया प्रोजेक्ट है या ये पिछले प्रोजेक्ट का सीक्वल है? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के नए फौजी कट हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। भारतीय मीडिया ने अपने जराये के हवाले से दावा किया है कि अदाकार का नया हेयर स्टाइल उनकी नई एक्शन फिल्म के लिए है जो करण जौहर के साथ बनाएंगे। नए फिल्म की शूटिंग का आगाज नवंबर में होगा और सलमान खान ने फिल्म में आर्मी ऑफिसर के किरदार के लिए अपनी बॉडी पर भी मेहनत शुरू कर दी है। अदाकार के करीबी जराये ने दावा किया है कि सलमान खान करण जौहर के साथ नई फिल्म में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाने के लिए बहुत पुरजोश हैं। करण जौहर और सलमान खान इससे कबल 1998 में ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में एक साथ काम करते नजर आए थे। वाज़ेह रहे कि अदाकार रवां बरस दिवाली के मौके पर अपनी नई फिल्म टाइगर 3 की रिलीज के मंतजर हैं, जिसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। अब आपको पता चला इमरान खान राधे मोहन की स्टोरी और असल राधे मोहन यानी सलमान खान की क्या कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।